अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल मुगल स्टाइल कुकिंग। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको चिकन फलियां बनाना सिखाऊंगी कि चिकन फलियां किस तरह तैयार होती हैं। वैसे तो आपने कई वीडियोस में इस रेसिपी को देखा ही होगा, लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल नए अंदाज में चिकन फलियां बनाना सिखाऊंगी, जिससे फलियों में तो जायका आएगा ही, लेकिन चिकन में भी भरपूर जायका होगा। तो जायके की ट्रिक को जानने के लिए आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, ताकि आपको पता चल सके कि हमने वो ट्रिक कौन सी यूज की है। तो सबसे पहले ले लेंगे हम आधा किलो के करीब चिकन, और चिकन को मैरिनेट कर लेंगे। तो मैरिनेट करने के लिए हमें जो मसाले चाहिए उसमें शामिल है जीरा पाउडर, काली मिर्च पाउडर, नमक, कुटी मिर्च, लहसुन अदरक का पेस्ट, कुटा हुआ साबुत धनिया, हल्दी पाउडर। तो सबसे पहले हम चिकन में 2 टेबलस्पून कुटी मिर्च शामिल कर लेंगे, 1 टीस्पून कुटा हुआ धनिया, 1 टेबलस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, नमक हसबे जायका, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। उसके बाद हमने यहाँ 1 अदद लीमू ले लिया है और उसका रस हम इसमें शामिल कर देंगे। फिर उसके बाद हम अच्छे से मसाले को मिक्स कर लेंगे, और मसाला मिक्स करने के बाद इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए रख देंगे। और वीडियो देखने के साथ साथ ही अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें और हमारे इस वीडियो को लाइक करें। यहाँ आप देख सकते हैं हमने मसाला लगा दिया है इस पे। उसके बाद हम 2 चॉप हुई हुई प्याज ले लेंगे, 3 अदद बड़े टमाटर, 1/2 किलो फलियां जिसको हमने कट कर लिया है। तो सबसे पहले हम कढ़ाई में ऑयल शामिल करेंगे, और ऑयल शामिल करने के बाद हम इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून जीरा। जीरा शामिल करने के बाद हम इसमें शामिल करेंगे प्याज, और प्याज में मुस्तकिल हमने चम्मच चलाते रहना है ताकि हमारी प्याज जल ना जाए, और प्याज को हमने ब्राउन नहीं अधकचरी करना है। जब प्याज अधकचरी हो जाएगी उसके बाद हम शामिल करेंगे इसमें टमाटर। टमाटर को हम भूनने के बाद फिर हम इसमें शामिल करेंगे मैरिनेट हुई हुई चिकन। फिर चिकन शामिल करने के बाद हम इसको 5 मिनट के लिए ढककर हल्की आंच पर रख देंगे। फिर ठीक 5 मिनट के बाद हम इसमें शामिल करेंगे फलियां। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि जो मसाले सब यूज करते हैं, मैंने भी वही मसाले यूज किए, मगर बनाने का अंदाज बिल्कुल मुख्तलिफ है। फलियां शामिल करने के बाद हम इसको अच्छे से भून लेंगे। फिर उसके बाद हम इसको गल जाने तक ढककर हल्की आंच पर रख देंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं हमारी मजेदार सी चिकन फलियां तैयार हो चुकी हैं। आप अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें, और हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको हमारी कैसी लगी। शुक्रिया।